सीएम योगी ने आज यूपी विधानसभा में डिजिटल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। डिजिटल कॉरिडोर में डिजिटल स्क्रीन पर राज्य सरकार की उपलब्धियों और योजनाएं भी दिखाई गईं। सीएम योगी ने पूरे यूपी का 3D भ्रमण किया और स्कूली बच्चे भी यहां आकर डिजिटल कॉरिडोर को देख सकते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में अब आम नागरिक भी विधानसभा मंडल कॉरिडोर लाइब्रेरी समेत तमाम जगहों को बिना किसी स्पेशल परमिशन के देख पाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शानदार पहल करते हुए आज वेबसाइट की शुरुआत की है। सीएम योगी ने विधानसभा के गाइडेड टूर के लिए वेबसाइट का उद्घाटन किया। अब कोई भी नागरिक यूपी विधानसभा का पूरा टूर डिजिटली कर सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में डिजिटल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इसके साथ विधानसभा के गाइडेड टूर की भी ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेबसाइट की शुरुआत की है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विधान भवन में निर्मित विधेय डिजिटल विथिका का भी उद्घाटन किया। डिजिटल स्क्रीन पर विधानसभा के सदस्यों की तस्वीर और उनके बारे में जानकारी भी दिखाई जाएगी। अब डिजिटली कॉरिडोर है क्या? उत्तर प्रदेश विधानसभा का तमाम इतिहास समेटे ये गैलरी बनाई गई है। आप इस गैलरी में देख पाएंगे कि किस तरह से पूरी गैलरी के भीतर डिजिटली चीजों को लगाया गया है। ये गली सीधे विधानसभा के सत्र के लिए जाती है, जहां पर विधानसभा के भीतर की कार्यवाही, वहां का इतिहास इस डिजिटली विंडो पर चलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही साथ देश भर से प्रदेश भर के जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे जो हैं, वो विधानसभा के इतिहास को जानने के लिए यहां आ सकेंगे। ये भी व्यवस्था की गई है। आज उद्घाटन के बाद से स्कूली बच्चों का जो टिकट है वो 25 रुपया रखा गया है। जो इंटर और डिग्री कॉलेजेस के बच्चे हैं उनका टिकट 50 रुपया रखा गया है, और जो साधारण व्यक्ति यहां आना चाहता है उसके लिए 100 रुपये का टिकट निर्धारित किया गया है, जिसके बाद ये लोग यहां आ सकेंगे, इस डिजिटली गैलरी को देख सकेंगे। इस दौरान सीएम योगी ने खुद पूरे विधान भवन परिसर का डिजिटल टूर किया। यूपी विधान भवन को करीने से सवारा गया है। प्रवेश द्वार से लेकर अंदर तक का नजारा काफी मनमोहक है। इस गाइडेड टूर के लिए आम नागरिकों को 100 रुपए का टिकट लेना होगा। उधर कॉलेज के छात्र छात्राओं को ये सुविधा 50 रुपए में मिलेगी, तो वहीं स्कूली बच्चों के लिए टिकट की कीमत महज 25 रुपए होगी। लखनऊ से न्यूज 18 के लिए मोहम्मद शबाब की रिपोर्ट। मुरादाबाद में घर के बाहर खेल रहे बच्चे का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया और बुद्धि विहार इलाके में हुई इस घटना के बाद में आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। अपहरणकर्ताओं ने पिता को फोन कर धमकी दी और कहा कि रकम का इंतजाम कर लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बदमाशों की इसी गलती ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घर के बाहर खेल रहा था मासूम, अपहरणकर्ताओं ने कर लिया किडनैप। 40 लाख की मांगी गई फिरौती, बस एक गलती और पहुंच गई पुलिस। ये वारदात है मुरादाबाद की, जहां मझोला थाना इलाके के बुद्धि विहार कॉलोनी में शनिवार शाम को घर के बाहर दूसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा साइकिल चला रहा था और तभी अचानक सफेद रंग की एक कार बच्चे के पास आकर रुकी। उन्होंने बच्चे को जबरदस्ती कार में बिठा लिया। वारदात के तुरंत बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की जांच चल रही थी कि इसी बच्चे के पिता के फोन पर अनजान नंबर से कॉल करके फिरौती मांगी गई। बदमाशों ने बच्चे के बदले 40 लाख की फिरौती मांगी। एक 7 साल के बच्चे को जो सेकंड क्लास में पढ़ता था, अपने घर के बाहर साइकिल चला रहा था, उसी दौरान कुछ बदमाशों ने बैगनार गाड़ी में उसको उठाया और उसके बाद में उसको किडनैप कर लिया। और कुछ देर के बाद में उसके परिजनों के पास में फिरौती के लिए उनके द्वारा कॉल किया गया, कई बार कॉल किया गया, और इस दौरान उन लोगों ने 40 लाख रुपये की फिरौती की उनसे मांग की गई। और सुबह दोबारा फ़ोन करने के लिए बताया गया, इसकी सूचना परिजनों के द्वारा तत्काल पुलिस को दी गई। इधर बदमाश पैसों की लालच में परिवार को ब्लैकमेल कर रहे थे। उधर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। रात भर सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद
पुलिस को किडनैपर्स की लोकेशन पता लग गई। पुलिस किडनैपर्स तक पहुंची, फिर उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने किडनैपर्स के पैर में गोली चला दी जिससे वे घायल हो गए। इसके बाद बच्चे को बरामद करके उसके परिवार को सौंप दिया। पांच टीमों के माध्यम से इसमें हम लोगों ने लगातार कार्रवाइयां की और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और जो सीसीटीवी फुटेज है इन सबको चेक किया गया और इसी पे रात्रि भर हमने लोगों ने काम किया। करीब सुबह 6 बजे के आसपास में जो गाड़ी है ये बिलारी थाना क्षेत्र में ट्रेस हुई और इसको हमारी सभी टीमों के द्वारा चेज किया गया और इसी कार्रवाई के दौरान में जो अपहरणकर्ता हैं वो एक साइड वाले रोड पे गाड़ी को छोड़ के खेतों में भागे। बच्चे के मिलने के बाद पुलिस ने उसके साथ फ्रेंडशिप डे भी सेलिब्रेट किया। वहीं बच्चे को वापस पाकर परिजन बेहद खुश हैं। उन्होंने तमाम पुलिसकर्मियों को धन्यवाद दिया है। पुलिस कप्तान ने बताया कि दोनों बदमाश पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस इन बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कह रही है। मुरादाबाद में मोबाइल नेटवर्क इंजीनियर के कंपनी के 7 साल के बेटे का दबंगों ने अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद 40 लाख की फिरौती मांगी गई। फिरौती और अपहरण की सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई और जांच टीमें गठित की। जांच के बाद पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की और उनसे मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों बदमाश घायल हो गए। वहीं पुलिस ने 2 तमंचे और बदमाशों को हिरासत में लिया, साथ ही बच्चे को सकुशल बरामद किया। विशाल सक्सेना, न्यूज 18, मुरादाबाद।